अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको यूएई में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले सैंडविचेस को शेयर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें हार्डीज़ आता है। हार्डीज़ आपको हर जगह पर मिल जाता है। अलबैग जो है उसकी लिमिटेड ब्रांचेज हैं, अभी वो ओपन हुआ है दुबई मॉल में। सो सबसे पहले हम जाएँगे सिटी सेंटर शारजा। अभी मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी सिटी सेंटर शारजा, यहाँ पर हम हार्डीज़ को ट्राई करेंगे, फिर दुबई मॉल जाकर अलबैग को ट्राई करने की कोशिश करूँगा और दोनों के डिफ्रेंस बताने की कोशिश करूँगा। सो बढ़ते हैं व्लॉग में, एंड तक बने रहिएगा। लेट्स अभी जो है हम लोग हार्डीज पे आ चुके हैं और मेरा मील जो है वो आ चुका है, खाएंगे और इसका टेस्ट जो है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। मील मेरा आ चुका है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी तरह इन्होंने जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। ये फ्राइज़ हैं, साथ फ्राइज़ जो है वो कर्ली फ्राइज़ हैं, थोड़ी स्पाइसी भी हैं, मैंने स्पाइसी बनाई है, मुझे स्पाइसी पसंद है। साथ में जो है उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक दी हुई है। ये इनका सैंडविच आ गया। सैंडविच के बारे में आप थोड़ी सी बात करते हैं। मॉन्स्टर थिक बर्गर कहते हैं इसको, डबल चीज़ बर्गर भी कहते हैं। मॉन्स्टर थिक बर्गर इसलिए कहते हैं इसको कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि दो जो है वो कबाब की लेयर्स हैं, दो इसके अंदर जो है वो चीज़ की लेयर्स हैं, और फ्रेश जो है ऑनियन लग रहा है और गैबेज वगैरह बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। सो भूख बहुत ज़्यादा लग गई है, भूख की शिद्दत बढ़ गई है। अब खाते हैं और फिर टेस्ट शेयर करते हैं। अभी जो है मैं बाइट लेने लगा हूँ इसकी, और बाइट लेके आपको बताता हूँ इसका। सो ये बीफ है, चेक करें आप लोग डिश, इसको जो है वो टेस्ट करना होगा। वाह, यार इसका जो टेस्ट है ना, हर चीज़ जो है वो आपके मुंह में फील होगी सेपरेट सेपरेट, जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है ये, देखें आप कितना जूसी है, प्रेस करते हैं तो आपको जूस नज़र आता है इसके अंदर। और इसके इसकी जो कबाब की टिक्की होती है बीच में ना, जो कबाब डाला होता है वो फुली कुक नहीं होता, वो हाफ़ कुक करते हैं, और उसका भी एक अपना ही टेस्ट होता है। तो कुछ लोग होते हैं पसंद करते हैं हाफ़ कुक, कुछ फुल, लेकिन इनका हाफ़ कुक होता है, लेकिन उसका एक यूनिक टेस्ट आता है, मज़े का टेस्ट आता है। और इनकी फ्राइज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, देखने में कमाल की हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी जगह की फ्राइज़ खाई हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैकडोनल्ड के एफ सी की जो है वो क्रिस्पी होती हैं, लेकिन क्रिस्पी नहीं है, सॉफ्ट फ्राइज़ हैं और बहुत अच्छी हैं यार। टेस्ट में जो है बहुत मज़े के, फ्रेश प्लेटर जैसे कहते हैं ना, वो टेस्ट मुझे आ रहा है। मुझे पर्सनली जो है इनकी फ्राइज़ कमाल की लगी हैं, 10 out of 10 जो है फ्राइज़ को दूँगा, कोई इसमें बिला शबा नहीं है। टेस्ट वॉज सो गुड, बहुत मज़े का टेस्ट था, है ना। मैं लास्ट टाइम आया था, मैंने यहाँ पर एक बार ट्राई की थी बबल टी। इसके नीचे एक्चुअली आप देखें ब्लैक ब्लैक जो है वो बबल्स हैं। ये बबल जो कॉफ़ी के साथ मिक्स करके आपके मुंह में जाते हैं ना, तो बड़ा एक बड़ा खूबसूरत सा, मतलब बड़ा आप कह सकते हैं कि आप बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट है कॉफ़ी। तो इसलिए मैं जो है, अब मुझे ये पर्सनली ये कॉफ़ी जो है बहुत पसंद है। आप भी ट्राई करना, पर मिल्क टी जब भी अगर आप सिटी सेंटर आए तो आप देखिए ट्राई करना, बहुत मज़े का टेस्ट। अलबैग पे आ चुके हैं, अभी जो है ट्राई करेंगे, आज इतनी रश नहीं है अलबैग पे, लेट्स सी अभी ट्राई करते हैं। बड़ा अच्छा सीन लगा हुआ है, आप अगर आएँ तो यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, क्यूज़ इनकी यहाँ पे लगी हुई है, अभी ऑर्डर किया है मैंने। अच्छा, अभी जो है वो आ चुके हैं, इनका फूड कोर्ट एरिया है यहाँ पे। तो मैंने अपने लिए एक चीज़ सैंडविच ऑर्डर किया है इनका, जो इनका सबसे टॉप लेवल का सबसे बड़ा जो है वो चीज़ सैंडविच ऑर्डर किया है, 15 दरम का, डबल लेयर चीज़ में। हार्डीज़ मैंने ट्राई कर ली है, तो अलबैग का टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और अलबैग का सैंडविच देखते हैं और हार्डीज़ का देखते हैं, तो दोनों का कंपैरिजन करूंगा मैं कि ज़्यादा अच्छा टेस्ट किसका है। ये आ गया हमारा अलबैग। सो क्या क्या ऑर्डर हुआ है इसमें, ये जूस है जी, मैंने जूस ऑर्डर किया अपने लिए ऑरेंज, तो यहाँ से रखेंगे ऑरेंज। और दिस इज वाटर, अभी छोड़ो, अभी खाओ, ये लो यार अपना, यार ये लो, हलो ओके। सैंडविच जो है मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए, सो सैंडविच आ गया। अल बैक आपको ट्रे में नहीं देते, अगर आप यहाँ पे बैठ के खाते हैं आपको पैकेट में ही देते हैं।
तो ये एक सैनिटाइजर है हैंड क्लीन करने के लिए। सो लुक एट दिस, ये इनका चिकन है। यार ये तो बहुत बड़ा है इनका यार, ये लुक एट दिस, वाकई यार ये वाकई बोलते हैं। सैंडविच मैंने ओपन कर दी है, अगर हार्डीज़ के साथ कंपेयर करें एज अ साइज़, तो साइज़ के लिहाज से अगर हार्डीज़ के दो सैंडविच हों ये एक हो तो फिर भी बराबर नहीं होता। तो सैंडविच काफ़ी बड़ा है और आप देखें चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी जो है क्वांटिटी, जैसे सैंडविच अगर बड़ा होता है तो उसकी क्वांटिटी चीज़ों की कम होती है, वैसा नहीं है। चीज़ आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स चीज़ की बाहर आ रही हैं, डबल चीज़ उन्होंने रखी हुई है और सैलेड से जो है वो भरा हुआ है, सलाद कैबेज वो फुल हुआ हुआ है। जो है इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके आपको बताता हूँ। वाओ, अगर आप मुझसे पूछें हार्डीज का इतना टेस्ट है और इसका इतना टेस्ट, अभी तक मैंने जितने सैंडविच खाए ना चिकन में, अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बेस्ट सैंडविच चिकन में ये है तो ये गलत नहीं होगा। मतलब ऐसा यूनिक टेस्ट आ रहा है इसका ना, इसके अंदर आप देखें गैबेज चीज़ और चिकन जो है वो स्पाइसी है, बहुत मज़े का टेस्ट है। अभी तक मैंने जितने भी चिकन खाए हैं ना उसमें से ये अलबैक को मैं 10 out of 10 देता हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट अखीर है। सभी लोग जो है ना उनकी तारीफ करते हैं, वजह क्या है कि वाकई टेस्ट, सभी लोग एक घंटे से क्यू में खड़े होते हैं, अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक घंटे से लोग क्यू में खड़े होते हैं और बहुत चीप प्राइस है यार। 15 दरम में आपको हार्डीज़ का छोटा सा सैंडविच होता है ना हार्डीज़ का, वो 27 दरम का, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कितने का 15 दरम का, और इतना बड़ा है कि खा के बंदा फ्री हो जाता है। सो लास्ट में बात करते हैं दोनों सैंडविचेस की, हार्डीज़ के अपना टेस्ट है, अलबैक का अपना टेस्ट है, हम दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। सो मुझे जो है अलबैक ज़्यादा अच्छा लगा है, प्राइस भी बहुत कम है और कंप्रोमाइज़ भी किसी चीज़ में नहीं है। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अल्लाह हाफिज़।